तो भाई ये है वियो T3 5G। और भाई अगर आप एक गेमिंग के लिए बढ़िया फ़ोन ढूंढ रहे हो तो भाई अंडर 20,000 में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है। और इसमें हमें एक ऐप देखने को मिलता है गेम स्पेस करके, मतलब भाई अगर आप BGMI खेलते हो तो उसमें गेम स्पेस में बहुत सारे हमें फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो क्या क्या हमें फीचर देखने को मिलते हैं, किस हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब सारे जो गेम स्पेस के फीचर होते हैं इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस तरीके का गेम स्पेस ऐप हमें देखने को मिल जाता है। अब देखिए अगर आप में नहीं शो होता तो सिंपल सा आपको क्या करना है, जाना यहाँ पे आपको सेटिंग में, और यहाँ पे आपको जैसे आप नीचे चले आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अल्ट्रा गेम मोड। ठीक है, अगर आप में शो नहीं होता ये ऐप, बहुत सारे लोगों में तो ऐप पहले से ही आता है, मेरे में पहले से ही था, बट अगर आप में नहीं आता है सिंपल से इसके ऊपर टैप कर देना है और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गेम साइड बार। तो सिंपल से आपको जो है यहाँ पे टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें तरह तरह के फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ई स्पोर्ट मोड देखने को मिलता है। इस पर हम चले जाते हैं तो पता जा रहा है कि जैसे कि आप देख रहे हो मिनिमाइज डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, ऑप्टिमाइज कंट्रोल, ऑप्टिमाइज डिस्प्ले, अडेप्टिव फ्रेम रेट एंड टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे जैसे बैक आते हैं तो यहाँ पे ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले देखने को मिल जाता है। जैसे सपोज कीजिए आप कोई लॉबी में हो, आप कहीं खेलने जा रहे हो, जैसे आप बंद करते हो तो ऑफलाइन बहुत जगह शो करने लगता है, बट यहाँ पे अगर आप स्क्रीन ऑफ भी कर देते हो तब पर भी सामने वाले बंदे को ऑनलाइन ही शो करेगा। फिर यहाँ पे व्यू एनहांसमेंट देखने को मिल जाता है, अगर आप इसके ऊपर टैप करते हो तो इसे देख रहे हो लोकल टोन मैपिंग देखने को मिलता है, कलर इनहांसमेंट देखने को मिलता है, मेमोरी कलर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, और डिटेल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर हम इनहेंस गेम जैसे कि आप देख रहे हो इस पर व्यू इनहेंसमेंट पर क्लिक करते हो। तो उसके बाद 4D वाइब्रेशन पर जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप किसी को मारने जा रहे हो या फिर ड्यूरिंग सम कॉम्पिटिटिव गेम्स द गेम कैन सिल्यूमेट सम गेम आरियो इफेक्ट सच एज गन शॉट वाइब्रेशन। मतलब सपोज कीजिए आप कोई मैच में हो और आप किसी ने जैसे किसी के हेड पे आपने बंदूक ताना हुआ है और अगर उसको बंदूक मार देते हो तो सिग्नल में यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, मतलब पता चलेगा कि जो आपने निशाना रखा हुआ है एकदम परफेक्ट रखा हुआ है। फिर यहाँ पे जैसे कि नीचे आते हैं तो गेम साउंड क्वालिटी इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ईयर कस्टमाइजेशन साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है, और आप कुछ इस तरीके के जो है ना साउंड को इफेक्ट कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आप जैसे 30 से पहले हो, मतलब आप जो है ज़्यादा आपकी एज नहीं है, 30 to 60 हो यानी थोड़ी एज हो चुकी है, और अबाउट 60 यानी सीनियर सिटीजन हो चुके हो, तो उस हिसाब से क्या होगा ना जो भी आवाज़ आती है जैसे किसी को मारते हो या फिर जो भी पीछे BGM चलता रहता है गेम में, तो उस हिसाब से थोड़ा ना कम हो जाएगा, जिससे आपके जो ईयर में होता है ना उसमें दिक्कत कम आएगी, आपको जो कानों में दर्द कम होगा, तो उस हिसाब से कस्टमाइज कर देगा। फिर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है प्रायोरिटी, मतलब अभी इस टाइम पे फ्रेम रेट में जो BGMI सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो फ्रेम रेट प्रायोरिटी देखने को मिलता है, मतलब किस हिसाब से फ्रेम को रखना है, बस जो जितने भी बैकग्राउंड के ऐप्स होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा जिससे जो फ्रेम रेट हो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। फिर यहाँ पे ब्लॉक नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाता है, अगर इसके ऊपर टैप कर देते हो तो सपोज कीजिए कोई भी कॉल आता है, कुछ भी आता है, तो जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे गेम खेल रहे हो BGMI खेल रहे हो बीच में किसी का भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत पॉपअप आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है ना कि भाई अब एक एक मिनट एक एक क्षण इस गेम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और भाई कहीं अगर आपका जो है नज़र हटी दुर्घटना घटी तो सामने वाला बंदा आपको सीधा हेडशॉट दे देगा। इसके लिए भाई ब्लॉक नोटिफिकेशन कर दे तो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में तो आएगा बट आपके ऊपर यहाँ पे शो नहीं करेगा जब तक आप बाहर नहीं निकलते हो। फिर यहाँ पे म्यूट कॉल देखने को मिल जाता है, बैकग्राउंड कॉल्स और रिजेक्ट कॉल, यहाँ पे हमें दो फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप बैकग्राउंड कॉल भी करते हो तो सामने वाले बंदे का कॉल तो आएगा, हाँ उसकी तरफ से कॉल जाएगा बट आपके यहाँ पे स्क्रीन पर शो नहीं करेगा। हाँ अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पर पता चल जाएगा कि कॉल आ रहा है, बट आपके गेम में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। और रिजेक्ट कॉल्स, मतलब सपोज कीजिए कोई भी आपको कॉल करा तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, मैं तो बोलूँगा रिजेक्ट कॉल को तो ना ही कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल होता है तो भाई आपको पता नहीं चलेगा, बैकग्राउंड जो कॉल्स होता है ये आपके लिए थोड़ा बेटर रहने वाला है। फिर यहाँ पे जैसे कि अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है स्क्रीन मिसमैच प्रिवेंशन, मतलब सपोज कीजिए अगर आपके पास कॉ डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है और अगर आप उससे फ़ोन जैसे खेल रहे हो तो साइड साइड में यहाँ पे डिस्प्ले होता है तो सिनेरियो में क्या होगा, मिस टच हो जाता है, तो उससे बच जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन नोटिफिकेशन बार ट्रिगर एरिया डिसेबल 3-finger स्क्रीन कैप्चर, यानी सपोज कीजिए हम जो स्क्रीन शॉट लेते तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते बहुत सारे स्मार्टफोन जैसे कि आप देख रहे हो इसमें भी हो जाता है तो स्क्रीन शॉट हो जाता है। तो ये आप सपोज कहीं मानने जा रहे हो गलती से आपने 3-finger जो भी खेलते हैं बंदे तो अगर उन्होंने गलती से कर दिया तो उस नजर में तो भाई यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। फिर यहाँ पे जैसे हम बैक आते हैं फिर यहाँ पे देखने को मिल जाता है गेम इन पिक्चर एंड पिक्चर मोड, सपोज कीजिए आप कोई गेम खेल रहे हो ठीक है और आपको अर्जेंट में किसी को कुछ मैसेज भेजना है कुछ भी करना है तुरंत आप बाहर आइए तो पॉपअप यानी PIP मोड जो यहाँ पर आता है ना साइड में, हालांकि मैं आपको गेम के अंदर बाकायदा लेके चलूंगा अभी और सारी सेटिंग आपको बाकायदा दिखाऊंगा अभी जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, फिर इस हिसाब से जो है PIP मोड में आ जाएगा। हालांकि देखिए करंटली हमने इसमें अभी जो है BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके बाद मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या सेटिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे हम BGMI कर लेते हैं फटाक से ओपन, जैसे कि आप देख रहे हो BGMI स्टार्ट
स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको साइड बार देखने को मिल जाता है। फर्स्ट अगर हम बैटरी सेवर मोड में आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बैटरी सेव करेगा, मतलब जो भी बैकग्राउंड में कुछ भी रन करता रहेगा तो उसे और भी ज़्यादा स्लो कर देगा या फिर पूरी तरह से बंद ही कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बैलेंस मोड पे आते हैं तो यहाँ पे जो बैलेंस मोड रहेगा वहाँ पे ठीक ठाक आपका चलेगा, आपको बराबर पावर भी दिया जाएगा, जो बैकग्राउंड में ऐप रनिंग कर रहा है उसे भी थोड़ा पावर दिया जाएगा। यहाँ पे बूस्ट मोड मतलब जो है ना पूरी की पूरी ताकत जो रहेगी वो सीधा आपकी गेम पे ही रहेगी, जिससे आपका गेम और भी ज़्यादा इन्हांस हो सके। फिर यहाँ पे ऐसे देखो 4D जो मैंने यहाँ पे बताया था 4D गेम वाइब्रेशन, इसका मतलब ये होगा सपोज इस पर आप टैप कर देते हो और कोई भी गेम अगर आप प्ले कर रहे हो तो सिनेरियो में सामने वाले बंदे अगर अपने हेड पे रखा हुआ है ना आपकी बंदूक का निशाना है तो यहाँ पे वाइब्रेट करेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि जो आपका निशाना है वो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर यहाँ पे आते हैं तो स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाता है। अगर इस पर हम आ जाते हैं तो स्पोर्ट मोड में क्या होगा, जो भी बैकग्राउंड फालतू चीज़ चल रहा होगा उसे भाई ये डिसेबल कर देगा या बंद कर देगा, जिससे आपका जो गेम है ना वो एनहांसमेंट हो जाए, गेम खेलने का जो एक्सपीरियंस है आपका थोड़ा अच्छा हो जाए। फिर यहाँ पे वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है, अगर इसके ऊपर टैप करते हो तो आप तरह तरह की जैसे कि ओरिजिनल आपकी वॉइस रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली भी ला सकते हो, कमांडर, वॉर, काउबॉय, ऑफिशियल, मतलब इस तरह करके आप जो इसमें वॉइस भी निकाल सकते हो, तो वॉइस चेंजर भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे हम बैक आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड कॉल, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के हैं, या फिर आप चाहो तो सामने वाले बंदे का डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाए और फिर म्यूट, मतलब आपके सामने सुन, अगर इसके ऊपर टैप करते हैं जैसे कि आप देख रहे हो बैकग्राउंड कॉल्स इनेबल, इसका मतलब क्या होगा कि सामने वाला बंदा आपको कॉल तो करेगा बट आप में यहाँ पे सामने वाले बंदे का बकायदा कॉल जाता रहेगा बट आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगा, क्या होगा ना भाई जो आपका डिस्टर्बेंस होता था वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फिर यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है ब्लॉक नोटिफिकेशन, इसका मतलब क्या होगा कि जो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो डायरेक्ट आप में शो नहीं करेगा, क्या होगा ना कि आपका जो डिस्टर्बेंस रहेगा वो बहुत ही ज्यादा कम रहेगा। फिर आप रिजेक्ट कॉल, यानी जैसे कि आप देखो इस पर टैप कर देते हो तो सामने वाला बंदा जितनी बार भी कॉल करता है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैंने आपको बोला था कि भाई रिजेक्ट वाले पे तो ना ही करो तभी बढ़िया है, बट आपकी मर्जी। फिर यहाँ पे मोशन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, हालांकि इसमें हमें ऑलरेडी जायरो सेंसर देखने को मिलता है, जो ऐसे करते हैं ना जायरो सेंसर, तो इसमें मोशन कंट्रोल का उतना ज़्यादा हमें इसमें फ़ायदा देखने को नहीं मिलता, बट जिस ऐप में मोशन कंट्रोल देखने को नहीं मिलता तो इस नॉर्म आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखने को मिल जाता है व्यू इन्हांसमेंट, इससे क्या होगा ना जो कलर्स होगा थोड़ा उठ के आएगा, जिससे आपको खेलने में और भी ज़्यादा मजा आ जाए, हालांकि इसमें ग्राफिक्स में जाके आप ऑलरेडी चेंज कर सकते हो बट यहाँ पे अपने हिसाब से इन्हांसमेंट कर देगा। यहाँ पे देखने को मिल जाता है ब्राइटनेस लॉक, इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप ज़्यादा देर खेलते हो तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस डाउन कर देता है या फिर ब्राइटनेस कम ज्यादा करता रहता है, फिर अगर आपने ऑटो ब्राइटनेस पे स्क्रीन रखी होगी तब पर भी कम ज्यादा होता रहेगा, तो ये दोनों सिनेरियो में कभी कोई दिक्कत आती है। अगर आप टैप करते तो जो आपकी ब्राइटनेस रहेगी वो लॉक हो जाएगी, ना ही कम होगा ना ही ज्यादा होगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखने को मिल जाता है डिस्प्ले इन स्मॉल विंडो, इसका मतलब जो PIP मोड होता है ना वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। फिर ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले, मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए आपने स्क्रीन ऑफ कर दिया तो कभी कभी ऑफलाइन हो जाता है, बट इस सिनेरियो में आपका ऑफलाइन नहीं होगा, हमेशा ऑनलाइन ही रहेगा। फिर यहाँ पे व्हाट्सअप पिक्चर इन पिक्चर मोड, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि सामने वाला बंदा आपको व्हाट्सअप पे कोई मैसेज भेजता है तो यहाँ पे साइड इन पिक्चर मोड में आपका व्हाट्सअप आ जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट हाथों हाथ ऊपर से रिप्लाई कर सको, आपको ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे स्क्रीन शॉट देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर टैप करके डायरेक्ट आप स्क्रीन शॉट कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है, रिकॉर्ड स्क्रीन लिखा हुआ है, इसकी मदद से डायरेक्ट आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे कस्टम वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इससे क्या होगा ना कि जो जो फीचर आप यहाँ से हटाना चाहते हो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और यहाँ पे ऐड भी आप कर सकते हो। तो इस तरह करके हमें जो ये गेम स्पेस का फीचर देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आपने देख लिया कुछ इस हिसाब से हमें फीचर देखने को मिल जाते हैं, हालांकि इसका डिटेल VGM रिव्यू हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, अनबॉक्सिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू, मतलब सब कुछ हमने शेयर किया हुआ है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। और ओवरऑल भाई under 20,000 में बहुत ज़्यादा शानदार और तगड़ा स्मार्टफोन हमें ये देखने को मिल जाता है। तो चलिए अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो बेल का आइकन है उसे भी दबाएं, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।